तो यार रूसो ब्रदर्स जिन्होंने एंड गेम डायरेक्ट किया है उन्होंने इस मूवी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया जो कि एंड गेम देखने के बाद हम सबके मन में था। इस वीडियो में मैं एक ही साथ उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा ना कि अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका ही टाइम बचेगा और आपको सारे जवाब भी मिल जाएंगे। तो आज मैं लगभग 15 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं तो ऑब्वियसली इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक विडो से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि आखिर ब्लैक विडो ने ही अपनी जान क्यों दी और सोल स्टोन के लिए क्लिंट और वो अपनी जान देने के लिए लड़ क्यों रहे थे। वैसे मेरी माने तो ये क्वेश्चन पूछने लायक था ही नहीं, बट इस पे रूसो ब्रदर्स ने बोला कि एक सुपर हीरो मूवी है और यहाँ अपनी जान देके दूसरों की जान बचाना एक हीरोइक एक्ट माना जाता है, ना कि किसी तरह का पनिशमेंट। और ऊपर से नताशा ने क्लिंट से प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसकी फैमिली से मिलवाएगी और अपना सैक्रिफाइस करके उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। इसके बाद उनसे पूछा गया कि ब्लैक विडो का कोई फ्यूनरल सीन क्यों नहीं दिखाया गया जैसा कि हमें टोनी का देखने को मिला, जिस पर उनका कहना था कि पास्ट से लौटने के बाद आप सारे सुपर हीरोज को अफसोस में देख सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि नताशा कभी फ्यूनरल सेरेमनी हुआ हो, बस मूवी में दिखाया नहीं गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को पावर स्टोन लेते नहीं दिखाया गया, ऐसा करने से मूवी रिपीटेटिव लगने लगती। और क्या पता आपको फ्यूचर की मूवीज में आपको ऐसा कोई सीन देखने को मिल जाए। वैसे भी एमसीयू में अभी कई स्टोरीज बतानी बाकी है। इसी के बाद ये पूछा गया कि सोल स्टोन से सैक्रिफाइस नताशा कभी रिटर्न कर सकती है या नहीं, क्योंकि मूवी के एंडिंग में कैप्टन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ सोल स्टोन भी रिटर्न करने वाला होता है। और इसी पे इन्होंने बोला कि नहीं, अगर सोल स्टोन को उसके ओरिजिनल लोकेशन पे लौटा भी दिया गया फिर भी वो पर्सन कभी नहीं रिटर्न होगा। वैसे इसे सोल स्टोन को लौटाना भी नहीं कह सकते, सिर्फ सोल स्टोन को वॉर्मिर पे वापस रखना कह सकते हैं। और रही बात ब्लैक विडो की, तो हमेशा के लिए उसकी सोल वॉर्मिर पे ही रहेगी और वो जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि थॉर से रिलेटेड हैं। उनसे सबसे पहला एक ऑब्वियस क्वेश्चन था कि थॉर मोटा और कमजोर क्यों दिखाया गया। इस पे उनका जवाब था कि किसी भी सुपर हीरो में थॉर ने सबसे ज्यादा खोया था, ओडिन, लोकी, उसकी माँ फ्रिगा, यहाँ तक कि उसने पूरा का पूरा एस्गार्ड ही खो दिया और उसके लाइफ का बस एक ही मकसद था कि वो थैनोस को हराना चाहता था और वो उसमें भी हार गया और ये उसकी पहली हार थी। तो एक तरह से वो कांस्टेंट पेन और रिग्रेट में था। और ऐसे सिचुएशंस में सब अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और ऑब्वियसली थॉर ने बियर का रास्ता चुना जिससे कि वो कमजोर और मोटा हुआ। होप सो कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहीं पर उन्होंने ये भी रिवील किया कि क्रिस हेम्सवर्थ इस रोल के लिए मोटे नहीं हुए थे बल्कि ये सीजीआई का कमाल था। ऐसे ही कैप्टन को बूढ़ा दिखाने के लिए किया गया और सेम स्टार्टिंग में टोनी को पतला और कमजोर दिखाने में। तो भाई मार्वल स्टूडियोज के सीजीआई और वीएफएक्स को तो मानना पड़ेगा। अब यहीं पे उनसे कुछ टाइम ट्रेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए। सबसे पहले ये पूछा गया कि थैनोस तो चलो पास्ट से फ्यूचर में आ गया, लेकिन उसने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को फ्यूचर में कैसे बुला लिया। टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था और इसका उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिविलेशन दिया। उन्होंने रिवील किया कि थैनोस के पास इबोनी मॉ जैसा ग्रेट मैजिशियन है और जब उनके हाथ पिम पार्टिकल्स और टाइम ट्रेवल करने का डिवाइस लगा तो मॉ ने इन सबको मैजिक से मास प्रोड्यूस किया और इसी के हेल्प से थैनोस और उसकी पूरी की पूरी आर्मी ही फ्यूचर में आ गई। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आया टाइम गैप से रिलेटेड। जब पीटर वापस स्कूल गया तो उसके फ्रेंड की एज क्यों नहीं बढ़ी और क्या पीटर की भी एज नहीं बढ़ी है। और इस पे उन्होंने कुछ मेजर रिवील किया है। उन्होंने ये बोला कि जो लोग थैनोस के स्नैप का शिकार हुए थे या धूल बन गए थे उन लोगों की एज नहीं बढ़ी है और जो लोग स्नैप में धूल नहीं बने वो एंड गेम में 5 साल बड़े हो चुके हैं। अब पीटर के फ्रेंड नेट की भी एज इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो भी स्नैप का विक्टिम था और पीटर के मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स भी स्नैप के विक्टिम थे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली उसके कुछ दोस्त स्नैप का शिकार नहीं हुए होंगे और वो कॉलेज में पहुंच गए होंगे, लेकिन पीटर और नेड अभी भी स्कूल में हैं। यहीं पर उन्होंने एक चीज और रिवील की। उन्होंने कहा कि स्नैप के विक्टिम हुए लोग में से किसी को भी कुछ याद नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या था। सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को सब पता था क्योंकि उन्होंने टाइम में आगे जाकर सब कुछ देखा था। यहीं पे उनसे ये भी पूछा गया कि एंड गेम पूरी तरह से एक कोइंसिडेंस पे बेस्ड है। अगर वो चूहा स्कॉट को बाहर नहीं निकालता तो एंड गेम पॉसिबल ही नहीं होती, जिस पे रूसो ब्रदर्स ने बोला कि ये सच है, एंड गेम का असली सुपर हीरो वो चूहा ही है और उसने ही यूनिवर्स को बचाया। और कमाल की बात ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही ये बात पता थी कि किस फ्यूचर में वो चूहा उस बटन को दबाएगा और टाइम ट्रेवल की स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब आते हैं कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चंस पे और यहाँ उन्होंने टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट टाइमलाइन से रिलेटेड कई चीजों को रिवील किया है। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि एंड गेम में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पास्ट में कुछ चेंज करने से फ्यूचर चेंज नहीं होता बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है, तो क्या कैप्टन अमेरिका ने जो एंड में पास्ट में ट्रेवल किया था उससे भी क्या कोई अल्टरनेट टाइमलाइन बना और क्या मेन टाइमलाइन पे कोई फर्क पड़ा या नहीं, क्या कभी दो कैप्टन अमेरिका एक ही साथ एग्जिस्ट करते थे। तो यहाँ रूसोस ने बोला कि कैप्टन कभी पास्ट में कुछ चेंज नहीं करना चाहता था, लेकिन एक तरह से ये उसकी चॉइस थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए।
सो जैसे ही उसने पास्ट में ट्रेवल किया तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन जरूर बनी जहां उसने बिल्कुल ही अलग लाइफ जिया है। उस लाइफ के बारे में हमें भी अभी कुछ नहीं पता। रही बात दो कैप्टन अमेरिका की, तो हाँ अल्टरनेट टाइमलाइन में ऐसा हुआ है, लेकिन मेन टाइमलाइन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो 22 मूवीज हमने देखी है उसकी स्टोरी बिल्कुल ही सेम रहेगी और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहीं पे उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया गया कि अगर मेन टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या ये एक तरह से टाइम लूप हो जाएगा जहां कैप्टन अमेरिका बार बार पास्ट में ट्रेवल करते रहेगा। और यहीं पे डिटेल में समझाते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, ये टाइम लूप नहीं है। एंशिएंट वन और हल्क ने साफ कर दिया था कि पास्ट में ट्रेवल करने से अल्टरनेट टाइमलाइन या टाइम ब्रांच बनते हैं। तो वैसे ही जब कैप्टन ने पास्ट में ट्रेवल करके अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ जीने लगा तो उसने एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनाई। हालांकि उसे एंड में फिर से टाइम ट्रेवल करके मेन टाइमलाइन में वापस आना पड़ा और यहीं उसने सैम को वो शील्ड दिया। तो मैंने जो अपनी अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग समझाई थी वो 100% करेक्ट है। आप चाहो तो आई बटन पे देख लेना। यहाँ फिर से उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि जब कैप्टन सोल स्टोन लौटाने वार्मिर जाएगा तो रेड स्कल को देखकर उन दोनों का क्या रिएक्शन हो सकता है। इस पर उन्होंने बोला कि कैप्टन ऐसे सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करेगा, तो उसकी तरफ से कोई भी गुस्से वाला रिएक्शन नहीं होने वाला। हाँ, वो थोड़ा सरप्राइज जरूर होगा। और रही बात रेड स्कल की, तो वो अब वो रेड स्कल नहीं है जिसे हम 1940s में जानते थे, बल्कि ये रेड स्कल बिल्कुल ही बदल चुका है। इसे आप एक घोस्ट की तरह समझ सकते हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुका है। उसका एक ही काम है, सबको सोल स्टोन तक ले जाना, एंड मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन उसे ही सोल स्टोन देकर वहां से पीसफुली निकल जाए। अब आते हैं हम सबके फेवरेट टोनी स्टार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। टोनी से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि आखिर टोनी ने ही स्नैप क्यों किया, बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी तो कर सकते थे जो कि स्नैप करने के बाद भी सरवाइव कर पाते। इसका जवाब उन्होंने दिया कि इस मूवी में थॉर उस पोजीशन पे नहीं है जहां वो ऐसा कर पाता। वो अपने बेस्ट फिजिकल और मेंटल स्टेट में नहीं है। हल्क भी कर सकता था, लेकिन उसने एक बार पहले ही स्नैप कर दिया था तो सेकंड स्नैप को वो सरवाइव नहीं कर पाता। रही बात कैप्टन मार्वल की, तो इस कैरेक्टर के लिए वो भी श्योर नहीं थे कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को वो एक बार में सह सकती है या नहीं। लेकिन स्नैप के बाद जब थैनोस घायल हो सकता है तो ये नेसेसरी था कि कैप्टन मार्वल भी स्नैप के बाद घायल हो जाती। और इस कैरेक्टर की स्टोरी आर्क फ्यूचर में बिल्कुल ही अलग चलने वाली है, तो हम फ्यूचर में एक घायल कैप्टन मार्वल को लेकर नहीं जा सकते थे। और उस बैटल के टाइम उस मोमेंट पे सिर्फ टोनी स्टार्क ही थैनोस के सबसे पास था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे इशारा किया यही वो मोमेंट है जिसमें थैनोस हारेगा। सो फाइनल स्नैप तो टोनी को ही करना था और इस कैरेक्टर की स्टोरी आर्क के लिए यही बेस्ट भी था कि कैसे एक मोर्टल इंसान ने जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है उसने एक इमोर्टल को हरा दिया और पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाया। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने विजन को टाइम स्टोन से दोबारा जिंदा किया था, वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को जिंदा क्यों नहीं किया। इस पे रूसोज ने बताया कि ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर सकता था, वो टोनी को फिर से जिंदा कर सकता था, लेकिन उससे थैनोस की जीत होती। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो 15,605 अल्टरनेट फ्यूचर देखे थे उसमें उसने ये करके देख लिया था कि अगर वो टोनी को फिर से जिंदा करता तो क्या होता, और उन सारे अल्टरनेट फ्यूचर्स में भी थैनोस ही जीतने वाला था। सो अगर इसमें थोड़ा भी चेंज होता तो थैनोस जीत सकता था या फिर उससे भी बड़ा खतरा आ सकता था। अब अगला जो मेन क्वेश्चन पूछा गया कि टोनी के फिनरल पे उसकी बॉडी क्यों नहीं थी और आयरन मैन 3 से हार्ली किनर के कैरेक्टर को वहां क्यों लाया गया। यहाँ उन्होंने बताया कि टोनी का आर्क रिएक्टर इसलिए था क्योंकि वो शो करना चाहते थे कि टोनी की कैरेक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो उसका फर्स्ट आर्क रिएक्टर था और प्रूफ था कि टोनी के पास भी एक हार्ट है। और रही बात हार्ली किनर के कैरेक्टर की, तो हमें ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर को फिनरल पे होना ही चाहिए, इसने टोनी की बहुत ही हेल्प की थी और क्या पता हमें फ्यूचर में ये कैरेक्टर फिर से दिखे। एंड सबसे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस बार एंड गेम में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं थे, लेकिन एंडिंग में एक अलग सा मेटल का साउंड आता है जो कि आयरन मैन 1 के सीन से था जहां वो अपना पहला आर्मर बना रहा होता है। इस साउंड का क्या मतलब है, क्या इसका ये मतलब है कि फ्यूचर में आयरन मैन रिटर्न करेगा या नहीं। और इस पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये टोनी स्टार्क को उनका गुड बाई था और ये फ्यूचर के लिए रेफरेंस नहीं बल्कि उनकी तरफ से एक ट्रिब्यूट था। सो जहाँ पे ये सारे मूवीज स्टार्ट हुए थे वहीं पर आकर खत्म हुए। तो यार ये था उनका पूरा Q&A जहाँ उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल्स रिवील किए हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या डॉट रह गए हैं तो वो कमेंट में पूछना, उस पे मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टारगेट करते हैं 30,000 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो और ऐसी और कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गेम की एंडिंग समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड हमारे रिव्यू को देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।